हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द सीएसआई नेट फेब 2022 शिफ्ट, मेनली शिफ्ट 2 की बात करने वाली हूं। और इस वीडियो में हम सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। मैंने इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बिकॉज उनको मैं तब कराऊंगी जब मैं इम्यूनोलॉजी के उन पोर्शन को कवर अप कर लूंगी, तो उसी सीरीज में मैं उनको कवर करवा दूंगी। तो इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ सोली सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चन लिए हैं एक्सेप्ट द इम्यूनोलॉजी पोर्शन। सो लेट स्टार्ट। और मेक श्योर इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, जिसमें कि आपको फेब के सारे सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे यूनिट वाइज। और इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके सारा का सारा जो भी अभी तक वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसे आप देख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन आईडी 190। क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द रॉड्स ऑफ रेटिना इज रिड्यूस्ड व्हेन लाइट स्ट्राइक इट्स आउटर सेगमेंट। बोला है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो जिसका रिलीज जो है रिड्यूस कर दिया जाता है जब लाइट स्ट्राइक करता है आउटर सेगमेंट ऑफ रेटिना। ओके, तो मेनली क्या हो रहा है कि जब लाइट प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है वी डोंट नीड न्यूरोट्रांसमीटर और दैट मच ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो दैट इज वाई जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑलरेडी डार्क में प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि पहला न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटामेट, तो डार्क में इसकी हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि डार्क जब फेस चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट नहीं रहने की वजह से देन वी नीड ग्लूटामेट जो कि होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो बोला है कि अगर हम लाइट दे दें तो किस न्यूरोट्रांसमीटर का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है जो न्यूरोट्रांसमीटर डार्क में प्रोड्यूस हो रहा था उसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट? तो पहला ऑप्शन है ग्लूटामेट, ऑफकोर्स दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एसिटाइल कोलिन, नेक्स्ट गाबा, नेक्स्ट इज ग्लाइसिन। सो ऑफकोर्स आर करेक्ट आंसर विल बी दी ग्लूटामेट, दैट इज ऑप्शन आईडी 757। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लाइट स्ट्राइक करती है तो इस तरीके से सिग्नलिंग चल रही होती है एंड फाइनली जो हमको मिलता है लास्ट में, जब डार्क फेज चलेगा तब हमको लास्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा वो होगा ग्लूटामेट। लेकिन जब लाइट फेज चलेगा यानी जब लाइट का प्रेजेंस है उस टाइम पे इसी न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो एकदम रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन आईडी 179 एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है और आपको आंसर देना है। बोला है विद रेफरेंस टू द सिग्नलिंग पाथवे शोन अबव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइज द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। आपको जो है सेल के अंदर जो भी ए बी सी डी ये जो कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेंशन, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पाथवे है? पहला ऑप्शन को देख के, दूसरा रिस्पांस को देख के। रिस्पांस में हमें मिल रहा है सेल प्रोलिफरेशन। तो सेल प्रोलिफरेशन या डिवीजन की जब भी हम बात करते हैं एक बहुत फेमस पाथवे जो हमारे दिमाग में आता है जो कि है आरटीके, राइट? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो फॉर श्योर ये उसी टाइप का पाथवे होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिगेंड देख के रखा है, दिस इज अ रिसेप्टर। तो मान लेते हैं अगर ये आरटीके रिसेप्टर भी है तो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद जो सबसे पहला ये इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा वो कौन होगा? वो होगा GRB2, राइट? जिसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। उसके बाद ये किसको एक्टिवेट करवाएगा? ये एक्टिवेट करवाएगा सॉस को। सॉस क्या करता है? सॉस जो है रैस के GDP को हटा के GTP ऐड करवाता है। और रैस एक्टिव होने के बाद जो सबसे पहले मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाता है वो होता है ERK, या फिर आप कह सकते हैं कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमें मिल रहा है वो है कौन सा? दैट इज ERK, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। GRB2 के लिए दो ऑप्शन ही है, बाकी सब नहीं है, राइट? तो हम उसको पिक नहीं करेंगे। अब अगर हम चलते हैं तो बी हमको सॉस लग रहा है, ऑफकोर्स सॉस होगा, नेक्स्ट रैस होगा। तो जो बचा हुआ ऑप्शन हो गया वो हो गया ERK अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ID 713। अगला सवाल अगेन काफी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 180। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बोला है कि NO जो है वो इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, किसको? स्टिमुलेट करके। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑलरेडी यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है।
फॉस्फोडाइस्टरेज़ ऑफ कोर्स ये नहीं होगा. नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस. अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का इस्तेमाल तब होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना होता है, बट यहाँ बोला है नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ सेकेंडरी मैसेंजर किसको स्टिमुलेट करता है, तो प्रोडक्शन के बाद स्टिमुलेट करेगा. प्रोडक्शन से पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होता है, बट ये प्रोडक्शन के बाद की स्टोरी पूछी गई है, तो ऑफकोर्स ये भी नहीं होगा. एडिनाइलाइल साइक्लेज नहीं होता है, इट्स अ जीसी दैट इज गुआनाइल साइक्लेज, जिसमें कि जीटीपी साइक्लिक जीएमपी का मेनली प्रोडक्शन होता है, राइट. तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन आईडी 720. अगला सवाल है ऑप्शन आईडी 238. क्वेश्चन है ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट इज जीपीसीआर एक्ट थ्रू एडिनाइलाइल साइक्लेज, मेनी ऑफ देम दैट इज जीपीसीआर एक्सर्ट देयर एफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कॉल्ड द पीएलसी बीटा. दीज रिसेप्टर एक्टिवेट सो कॉल्ड इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड्स सिग्नलिंग पाथवे मेनली वी आर द जी प्रोटीन कॉल्ड द जी क्यू विच एक्टिवेट पीएलसी बीटा इन मच द सेम वे दैट जीएस एक्टिवेट द एडिनाइलाइल साइक्लेज. Mentioned below are some of the steps which function with functional characteristics of inositol phospholipid signaling pathway, one of which is not correct. Select the incorrect option. Make sure आपको incorrect option को pick करना है, ध्यान रखना है. देखिए बोला क्या गया है कि जैसे PLC जो है PLC beta क्या करता है phospholipid को activate करवाता है mainly GQ के through, मतलब PLC का activation GQ के through होता है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे GS का जो मेन काम होता है जी प्रोटीन के एक्टिवेशन के थ्रू उसमें वो एसी को एक्टिवेट करवाता है, राइट. वैसे ही जी क्यू जो है पीएलसी बीटा को एक्टिवेट कराता है. अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. पीएलसी बीटा एक्ट ऑन फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, यानी पीएलसी बीटा जो है पीआईपी 2 पे काम करता है विच इज प्रेजेंट इन द इनर हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बैरियर. ऑफकोर्स दिस इज ट्रू. PIP2 को क्या करता है, PIP2 को PLC बीटा क्लीव करके इसे IP3 as well as DAG में चेंज कर देता है, ओके. तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट देखिए एक्टिवेटेड PLC बीटा क्लीव द PIP2 टू जनरेट टू प्रोडक्ट्स, वन इज इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड द सेकेंड वन इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू. अभी अभी मैंने आपको ये बना के दिखाया, राइट. This is true. Next, IP3 is a small lipid-soluble molecule that bind to the IP3 receptor on the plasma membrane, thereby increasing calcium concentration in the cytosol. देखिए IP3 जो है mainly अगर देखा जाए तो of course ये अपने IP3 receptor से bind तो करता है, but ये जो काम होता है इसका mainly ER के ऊपर देखा जाता है, ठीक है. और IP3 जो है lipid-soluble ना होके ये normal soluble होता है, मतलब cytoplasm में present रहता है, तो इसको lipid-soluble कहना सही नहीं होगा, right? तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम से गलत दे के रखा है. मेक श्योर डैग जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन में प्रेजेंट रहता है बिकॉज वो साइटोसोल में नहीं आ पाता बिकॉज इट हैज अ हाइड्रोफोबिक नेचर, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहता है. लास्ट देखिए डैग गेट फर्दर क्लीव टू रिलीज द आर्किडोनिक एसिड विच इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द इकोसेनॉइड्स इंक्लूडिंग द प्रोस्टाग्लैंडिंस. ऑफकोर्स दिस इज ट्रू. अगर फर्दर आप पाथवे पढ़ते हैं डैग का तो डैग जो है ऑफकोर्स क्लीवो के आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो देखा जाए तो ये जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन आई डी 951, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके. हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, सो वी कैन सेलेक्ट दी थर्ड ऑप्शन. अगला सवाल है कैंसर के ऊपर, ठीक है. और इसके बारे में जो है आपको डिटेल में जो पोर्शन है रेयरली किसी बुक में मिलेगा, माइट बी एक दो बुक अवेलेबल है जहां पे आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको इसे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहां पे मिल जाएगा. बोला है द ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द सेल एट अ इनर रीजन ऑफ द ट्यूमर टिश्यू इन्वायरमेंट इज टिपिकली लो दैट क्रिएट अ हाइपोक्सिक माइक्रो इन्वायरमेंट. इफ इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द कैंसर सेल residing in the hypoxic microenvironment, which one of the following process may not occur? तो होता क्या है, देखिए जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होता रहता है जो ग्रोइंग सेल होते हैं जो ट्यूमर ट्यूमर को बना रहे होते हैं जितना वो ब्लड वेसल से दूर जाते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती रहती है. बट द मेन डिमांड इज वॉट कि अगर उन सेल को सर्वाइव करना है, उन ट्यूमर सेल को सर्वाइव करना है तो उनके पास ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए जिसके लिए ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की जरूरत होती है, एंड दैट इज वाई वो एंजियोजेनेसिस परफॉर्म करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे. अब बोला गया है कि अगर ऐसा कोई हाइपोक्सिक कंडीशन है, हाइपोक्सिक कंडीशन का मतलब जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो तो
तो यहाँ पे कौन सा ऐसा इवेंट है जो देखने को नहीं मिलेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पर इन तीन ऑप्शन में से, सॉरी चार ऑप्शन में से तीन ऐसे कंडीशन है जो कि हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद देखे जाएंगे, और कोई एक कंडीशन है जो कि नहीं देखा जाएगा। हमें इसी को पिक करना है जो नहीं देखा जाएगा। पहला है H1F1 alpha stable in the cell under the hypoxic condition may undergo the oxygen dependent hydroxylation targeting it for the ubiquitination and the proteolysis by tumor suppressor protein VHL। बिल्कुल एकदम से ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है, मैं अभी आपको इसका सोर्स दिखा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉबर्ग इफेक्ट विल बी रिवर्स एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट विल नॉट टेक प्लेस एज सफिशियंट ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन हो या ना हो, देखने को यही मिलता है कि जो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है उसमें ग्लूकोज से लैक्टेट में कन्वर्जन होता है, और ये कन्वर्जन रिवर्स नहीं दे, मतलब कि जो वॉबर्ग इफेक्ट है वो रिवर्स नहीं देखा जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ये गलत दे के रखा है, और ये वन ऑफ द वेरी फेमस स्टेटमेंट है। अगर आप कैंसर बायोलॉजी पढ़ते हो आप पक्का वॉबर्ग इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इन चारों स्टेटमेंट में से भले आपको कोई स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, बट आपके पास इसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि वॉबर्ग इफेक्ट जो है रिवर्स नहीं होता है अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा भी दो तब भी। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ HIF1 alpha डिपेंडेंट जीन विल बी लोअर्ड। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लैक्टेट जनरेशन इन द ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट विच कंट्रीब्यूट टू द M2 पोलराइजेशन ऑफ द टिश्यू एसोसिएटेड मैक्रोफाज विल कंटिन्यू। बिल्कुल सही। देखिए, अगर देखा जाए तो वी कैन से कि ये जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ID 942, ये ऑप्शन ID जो है ये गलत देख के रखिए। आई मीन टू से इन्होंने पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा या कौन सा नहीं देखने को मिलेगा, थर्ड वन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ द HIF अल्फा सब यूनिट बाई द O2 अवेलेबिलिटी एंड द अदर इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स। सो इन ऑक्सीजन रिप्लीटेड सेल द HIF प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज आर एक्टिव। ओके, दैट विल रिजल्ट इन टू द हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ द प्रोलीन रेसिड्यू इन द HIF अल्फा एंड द टारगेटेड डिग्रेडेशन वीआर द PVHL प्रोटियोजोम पाथवे। देखिए, यही स्टेटमेंट जो है इन्होंने यहाँ भी मैंशन करके रखा है, और ये कंडीशन हम कब बात कर रहे हैं, जब O2 का कंसंट्रेशन जो है ट्यूमर सेल में अच्छा खासा होके रखा है। नेक्स्ट देखिए, एज डिस्क्राइब बाय द ओटो वॉबर्ग इन 1920s, रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल डिस्प्ले इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे ट्यूमर के टाइम पे, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है तब भी, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी, उनका मेन काम क्या होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन आर एलिवेटेड, बढ़ जाएगा बाय एसिडिफाइंग द एनवायरमेंट। और इसके लिए सोर्स जो है आपको PMC का पेपर मिल जाएगा, आप NCBI की वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा कि ट्यूमर का रिलेशन जो है या फिर ट्यूमर का कंडीशन क्या होगा अगर हम ऑक्सीजन लेवल को एलिवेट कर दें, उसमें आपको ये सारे कंडीशन देखने को मिल जाएंगे। सो विद दिस वी कैन से दैट यस, थर्ड ऑप्शन जो है सही नहीं देके रखा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कोई बुक जस्टिफाई कर पाए इन कंडीशंस को, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आपको पेपर पे स्विच करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, कैंसर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 50% क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि बुक से आ जाएंगे जो आप पढ़ रहे हो, और 50% के चांसेस होते हैं कि पेपर से आ जाएंगे, बिकॉज कैंसर एक ऐसा एरिया हो गया है जहां पे बहुत सारे पेपर रिलीज किए जा रहे हैं। तो फॉर श्योर कुछ कुछ नई फाइंडिंग्स सामने आएंगी, उन फाइंडिंग्स को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा जो है कैंसर के बारे में पेपर में कौन कौन सी चीजों को रिलीज किया जा रहा है उसके बारे में जरूर खबर रखिए, माइट बी वो आपकी कभी ना कभी हेल्प जरूर करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए, एज वेल एज जिसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।